गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस आज हम जा रहे हैं इसकी बुआ के यहाँ होली देने, और उसके बाद हम कीर्तन भी एंजॉय करेंगे क्योंकि उनके यहाँ कीर्तन भी है, क्योंकि उनकी दौरानी ने कीर्तन करा रखा है, तो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मिलवाएंगे भी क्योंकि आज सब आएंगे। और गाइस अब मेरा लुक देख सकते हो कैसा लग रहा है, और पलक का भी दिखा देती हूँ। तो गाइस हम जाने के लिए निकल चुके हैं। गाइस हम गाइस मेरा पोपट हो चुका है। गाइस हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं और मेरे पीछे मेट्रो भी आ चुके हैं, चलो चलते हैं। एंड गाइस मेरा पोपट भी हो चुका है, आया मम्मी। गाइस मेरा पोपट हो चुका है अभी गिर जाता, बच गया। मुझे पकड़ा हो यार आपने, मुझे क्यों रखा यार। गाइस ये मैंने भुजिया ले लिए हैं इसकी बुआ के घर देने के लिए, ये नमक पारे ले लिए हैं, और ये मट्ठी ले लिए हैं, और ये केले, और वो गिफ्ट है ही अब दे देंगे, उसके बाद पैसे जो देंगे वो अलग। गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारी बुआ के घर, और मैं उतर गया था बीच में क्योंकि ऑटो पे मैं आ नहीं पा रहा था। हम लोग बुआ के पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आके बहुत मजे आ रहे हैं, और हमने होली दे दी है। एंड गाइस आज होगा यहाँ पे कीर्तन, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। यहाँ ये जो टेंट दिख रहा है आपको, ये देख, ठीक है। एंड गाइस यहाँ के बच्चे पिन्नी मार रहे थे, हमें तो नहीं मार रहे थे पर एक दूसरे को मार रहे थे, और सन्नो दीदी ने बोला है कि चुपके से चल मैं तुझे पिन्नी दिला लाती हूँ। मैं तो पहले ही आ गया था मम्मी और दीदी से, क्योंकि मैं बीच में उतर गया था, पैदल पैदल आ गया था क्योंकि इन लोगों को मार्केट में टाइम लग रहा था इसलिए। एंड गाइस यहाँ दीदी कह रही चल मैं तुझे पिन्नी दिला लाती हूँ, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी नहीं यार, क्यों करें खर्चा है ना। तो फिर मैंने दीदी क्या, फिर मैंने बोला जाते हुए ले लेंगे, तो अभी हम जाते हुए मैं जाते हुए यहाँ से पिन्नी लेके चले जाऊँ। पिन्नी मैं बता दूँ क्या होती है, पिन्नी यहाँ पे जैसे बैलून होते हैं ना, बैलून के अंदर पानी भर के फेंकते हैं तो वो फूटता है तो हम गीले हो जाते हैं, वैसे ही पिन्नी होती है। पिन्नी के अंदर हम पानी भर के उसको फेंकते हैं ना, वो सामने वाला बंदा भी गीला हो जाता है, और पिन्नी थोड़ी तेज लगती है बैलून से। इस जगह हुआ कीर्तन अभी, एंड बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ से पिन्नी लेके जाऊँगा, फिर अपनी गली के बच्चों को मारूंगा धह 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 धह, सबको गीला कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, हाँ मेरी जान। गाइस यहाँ पे आते ही एक और नई ट्रिप की प्लानिंग होनी शुरू हो गई है, कोई कह रहे वृंदावन चलते हैं, कोई कह रहे उज्जैन चलते हैं, अभी पता नहीं है चलेंगे भी या नहीं। ठीक है ठीक है, मैं बुआ तनु दीदी पलक, ठीक है नहीं चलो 16 तारीख को, 16 तारीख तनु बना ले, पहले टिकट करा ले यार, टिकट मैं करा होटल बहुत बढ़िया था भाई। हाँ तन्नू दीदी कराएगी, देखो यहाँ पे हमारे लिए तन्नू दीदी ली आई है फैंटा। सो गाइस ये मेरा भाई है ध्रुव, और ये मेरी बुआ का लड़का है, मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बज रहे हैं गाने, और मुझे दो वीडियो काटनी पड़ी क्योंकि मैं इसका बार बार ही नाम ले रहा था रुद्र, इसका नाम ध्रुव है, सॉरी। हेलो गाइस, गाइस मैं दिखाता हूँ कैसा ये लगा पंडाल टाइप, ये यहाँ पे अभी सब आएंगे बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे होगी अभी आरती, क्योंकि यहाँ मोती बाग घूमने आए थे, मोती बाग कह रही हूँ, हम लेट आए थे, दीपा मिली नहीं, हम फिर अकेले ही जा रहे हैं, और यहाँ पर ये तन्नु और ये पलक क्या खा रही हो ये और ये मेरी साड़ी बिक रही है, मेरे साड़ी का स्केच कर। स्वामिनी
Thank you.
Yeah.